हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। और अभी हो रहा है सुबह के 4:30। आज हो रही है 4 तारीख, मेरी 10 बजे की फ़्लाइट है। मैं जा रहा हूँ अभी यहाँ से अबू धाबी, और अबू धाबी से मैं ट्रांजिट करके निकल जाऊँगा ईरान। सो अभी ये पूरा ये हॉस्पिटल था जो मैंने बुक किया था, इसमें मैं सो रहा था। कमरे इसमें है, ये भी वॉशरूम है, ये हॉल एरिया, किचन है। सो ऐसा सच कुछ दिखाने के लिए इसमें है नहीं, मुझे वैसे मैं इस हॉस्टल से खुश नहीं हूँ। सो आप लोगों को दिखाने का मतलब नहीं बनता, और इवन आई विल ऑल्सो सजेस्ट नॉट टू बुक इट दिस हॉस्टल। देख लो भाई, अर्ली मॉर्निंग। सो यही है सोलो ट्रैवलिंग का, ना रात ना दिन कोई आता पता नहीं है कब मैंने फ़्लाइट बुक करी है और कब की हम फ़्लाइट बुक करते हैं, कोई टाइम पीरियड नहीं होता है। सस्ती फ़्लाइट के चक्कर में जो टाइम मिलता है वो बुक कर लेते हैं। अब मैं अगर एयरपोर्ट की बात करूँ एयरपोर्ट जाने के लिए, तो मुझे यहाँ से मेरे लोकेशन से नियर बाई स्टेशन जो है मेट्रो स्टेशन एंड द बस स्टेशन इज़ 28 मई, ठीक है। वहाँ से आपको क्या कहते हैं, अगर मैं यहाँ से अपनी जगह से मेट्रो से जाता हूँ, अगर मैं अपनी जगह से मेट्रो से जाऊँगा तो 28 मई पर उतरना है। फिर वहीं से मुझे बस मिलेगी एयरपोर्ट एक्सप्रेस के नाम से, जो कि 6 बजे चलती है, और हर आधे घंटे के इंटरवल पे दूसरी बसें चेंज होती रहती हैं। अगर 6 बजे आप मिस करते हो तो 6:30 मिलेगी, फिर 7:30 मिलेगी, 7:30 मिलेगी, 8 मिलेगी, 8:30 मिलेगी। सो ऐसे आपको जो है बसेस मिलती रहेंगी। जो मेन स्टेशन है जहाँ से मिलेगी वो है 28 मई। तो अगर आप नियर बाई कहीं मेट्रो स्टेशन से हो तो मेट्रो स्टेशन में बैठ के आराम से 28 मई पे चले जाओ, एंड फिर वहाँ वेट करो 6 बजने का। जब बस ऑपरेशन शुरू होंगे तो वहाँ से आप अपना निकल सकते हो। जैसे अभी मेरे पास लोकल बसेस तो अवेलेबल नहीं है, यहाँ से ऑपरेट नहीं कर रही हैं, या तो आप टैक्सी लो। टैक्सी मैं बुक नहीं कर रहा, वैसे महंगी है, तो इसलिए मैं जा रहा हूँ पैदल। मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगी, मौसम ठंडा है। तो लेट्स सी, चलता हूँ मैं 28 मई स्टेशन पर, मिलता हूँ आपसे। बाकी आसपास का देख लो भाई, ऐसे ही है सन्नाटा। और ये देखो लड़कियाँ खड़ी हैं भाई, जिनको चाहिए अपना बात करो ले जाओ। और उसमें अगर जाते हो ना निज़ामी स्ट्रीट पे, तो निज़ामी स्ट्रीट पे 2-3 लेन है जहाँ पे आपको मिल जाएंगे ऐसे, वहाँ पे पब्स वगैरह हैं, पार्टीज हैं, तो वो आप खा सकते हो। वहीं पे ऐसी लेन भी जहाँ पे लड़कियाँ खड़ी थी। तो आपको अगर कभी भी मतलब भाई देखो, सबका अलग अलग ट्रैवल करने का तरीका है, सबको अलग अलग करना चाहता है ट्रैवलिंग। सो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है तो मैं बता रहा हूँ। मैं कल गया था उसी लेन से जहाँ पे पब्स हैं और आप इंजॉय कर सकते हो प्रॉपर। सो मैं जिस लेन में हूँ वो है ज़ाइफ़ा लेन। ज़ाइफ़ा से आप अंदर जब जाओगे निज़ामी स्ट्रीट के लिए, उसकी सेकेंड फोर्थ लेन में राइट कट लोगे तो आपको वो जगह मिलेगी जहाँ मैं बता रहा हूँ आपको। तो वहाँ पर लड़कियाँ भी मतलब खड़ी रहती हैं, लेकिन आस्क फॉर इट, अगर आपका लग अच्छा है तो भाई चल देगी। सामने देखो चांद अगर दिख रहा हो तो, चांद दिख रहा है मस्त। ये मैंने एक बैग परचेस किया, दूसरा थोड़ा सा दिन में दिखाता हूँ, थोड़ा सा कंफर्टेबल है भाई। इससे थोड़ा सा मेरा वेट जो है ना मेरे कमर पे वो आके लग रहा है, शोल्डर पे ज़्यादा मेरा वज़न नहीं है भाई, नहीं तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। जो पिछले वाला बैग है ये ड्यूटर का बैग है, महंगा है, मैंने इसीलिए लिया था कि मेरा लॉन्ग टर्म काम करेगा, तो मैंने प्लानिंग लॉन्ग टर्म की थी। तो भाई किसी को बैग ये रक्षक बैग लेने हो, अगर कोई अच्छा खासा ट्रैवलिंग करना चाहता है तो ही ले, बहुत बढ़िया है और वारंटी भी इनकी अच्छी खासी है। अगर नॉर्मल ट्रैवल करना है तो बहुत सारे बैग्स अवेलेबल हैं, वो आप ले सकते हो सस्ते में। इसकी प्राइसिंग मैं नहीं बताऊंगा, अगर आपको कभी चेक करना हो तो आप चेक कर सकते हो नाम से। लोगों आपको सामने दिख रहा है ये कंधे पे मेरे, पहुँचता हूँ मैं आपको, वहाँ मिलता हूँ। 6 बजे बस सर्विसेज शुरू होंगी एयरपोर्ट की जो जाने वाली है। तो भाई बस आ गई है जो मैंने बताया था, ये सामने खड़ी है एयरपोर्ट एक्सप्रेस, यहीं मिलेगी, यहीं आपको ड्रॉप करेंगे। 28 मई बस स्टॉप है और यहीं पे स्टेशन भी है, तो यहीं से आप जा सकते हो। ये वाली बंद है, वाली खुली है, अभी खोलेंगे तो जाता हूँ फिर से। पहले ये वाली जाएगी, देख लो भाई ये बस है, 6 बजे फर्स्ट डिपार्ट करेगी यहाँ से। यहाँ से एयरपोर्ट जाने का जो फेयर है, जो किराया है, जो रेंट है, जो रेंटल है, वो आपका है 1.3 मन्नत से लेके 1.4 मन्नत, ये चार्ज होंगे जब आप टैप करोगे तो।
तो मैं इस बार अभी जब एंटर होऊंगा, क्योंकि मैं तो अभी अकेला ही हूँ, कोई और है नहीं, भीड़ भी नहीं है, तो प्रॉपर रिकॉर्ड करूँगा। देखिएगा वहाँ पे लिखा होगा 1.4 या 1.3 मना। कुछ भी करो भाई, शहर के अंदर मोस्टली लोग आपको अच्छे नहीं मिलेंगे। अगर आपको अच्छे लोग चाहिए, वेलकमिंग चाहिए, जिनका नेचर आपको देखना है और एक्चुअल में हॉस्पिटैलिटी देखनी है उस कंट्री की, उस शहर की क्या है, कैसी है, तो आउट ऑफ द सिटी जाइए, वहाँ आपको मिलेगा। जैसे कि मैं गया था गोबस्सन में, और आप बाकू अगर घूमने आते हैं तो भाई बाकू में सिर्फ एक से मैक्सिमम दो दिन दीजिएगा, उससे ऊपर मत दीजिएगा। बाकू घूमने के लिए कुछ भी नहीं है, ज़्यादातर आप चाहो तो पूरा एक दिन में कवर कर सकते हो। सो भाई वीडियो को सपोर्ट करो, सपोर्ट इसलिए करने के लिए बोल रहा हूँ कि अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं आपको सपोर्ट कर पाऊँगा, और जो आप लोगों का ट्रैवल करने का सपना है वो भी मैं पूरा कर पाऊँगा। क्योंकि देखिए मैं अपना ट्रैवल करने का सपना तो पूरा कर रहा हूँ, अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मैं बड़े पैमाने पर कर सकता हूँ और दूसरों की हेल्प भी कर सकता हूँ। और अगर नहीं करते हैं तो भाई मैं तो अपना कर ही रहा हूँ, जितना हो सकेगा मैं कर पाऊँगा, उसके ऊपर नहीं कर पाऊँगा। तो मेक श्योर कि भाई आगे करो सपोर्ट, तभी कुछ फ़ायदा होगा सबका। आ रहा हूँ अंदर, देख लो, टैप करता हूँ, पेमेंट कितना कट रहा है, 2.10 बैलेंस बचा हुआ है, 1.3 समथिंग था मेरे पास में। तो ये भाई इंटीरियर है पूरा बस का, एक वहाँ पे एग्जिट है और ये फ्रंट है, तो मैं यहीं बैठूँगा, देखता हूँ। मात्र 30 मिनट्स लगे हैं, तो जो वेबसाइट था गूगल पे जो डिटेल अवेलेबल है वो देख रहे हैं, स्विंग की जो ओरिजिनल वेबसाइट है वहाँ पे लिखा है 25 से 30 मिनट लगेगा आने में। सो मैक्सिमम लगा हमें आने में, अभी हो रहा है 6:25, 25 मिनट्स ही लगे हैं हमें यहाँ पहुँचने में। दिस इज टर्मिनल 1, टर्मिनल 1 एंड टर्मिनल 2। चलते हैं एयरपोर्ट में, देखते हैं टर्मिनल 2 से कि 1 से। सो बाहर मैं निकल चुका हूँ, ये है टर्मिनल 2, ये बस स्टॉप है जहाँ पे मेरे को उतारा है। देख लो पूरा, और नीचे की तरफ उधर तुम्हारा वो है अराइवल्स है एयरपोर्ट का जितना भी है। देख टर्मिनल 2 यहाँ पे मेंशन है क्लियरली, और ये यहाँ की टैक्सी। भाई ये टैक्सी अभी बिना एसी के दिमाग खराब हो जाएगा भाई गर्मी में। चलते हैं एयरपोर्ट के अंदर, गेट्स हैं ऑटोमेटेड है सारी। इंटरनेशनल फ्लाइट्स और डोमेस्टिक फ्लाइट उधर दी हुई है, ये है 7016 अबू धाबी 10 बजे की, 52 यहीं से डिपार्ट करेगी। तो भाई ये यहाँ सामने अपना एंट्री ले लिया है, और सामने टिकट काउंटर है, जा रहा हूँ चेक करने। और जो डिपार्चर है भाई T2 से हो रहा है, T1 से कैंसिल हो गया, T1 से अब नहीं होता है, पहले T1 से हुआ करता था डिपार्चर, लेकिन अब बंद हो गया है। सो अगर आप कभी भी अबू धाबी जा रहे हो विज़ एयर के साथ में, सो यू नीड टू गो टू द टर्मिनल 2। चेक इन के लिए सामने दिख रहा है, देख लो। एक्सक्यूज मी, डू यू स्पीक इंग्लिश? यह वेन द चेक इन विल स्टार्ट फॉर द विज़ एयर? इट्स फॉर माई फ्लाइट। विज़ एयर नो ओपन। एट वॉट टाइम? 8 o'clock? Yeah. You say, ask him. Yeah? Okay. Yeah. Just have information. Thank you so much. So, कैमरा में इतना फेस किया हुआ था तो घुमा के देख रहा था कि उसका तो रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, ये सिक्योरिटी एरिया है कैसे। 8 बजे बोल रहा है भाई, मैं तो पहुँच ही गया हूँ, अभी 6:30 बज रहा है। Hi, good morning. At what time the Wizz Air check-in will start? It's I guess 10 AM departure time. Around 8 o'clock? Thank you so much. भाई यार 8 बजे के आसपास स्टार्ट होगा, बट जितना सोच के यार मैंने अर्ली मॉर्निंग उठ गया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सो आपके लिए अच्छा है, इसीलिए हम लोग ट्रैवल करते हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अगर आपको मेरे पीछे दिख रहा है ना येलो जो काउंटर्स हैं वो इमिग्रेशन के हैं, सो वो मैंने पास कर लिया है। भाई इमिग्रेशन काउंटर में इतना चुदिया पाया कि पूछे मत, बता नहीं सकता मैं। मतलब मेरा को ट्रांजिट करना है इनकी कंट्री में, एग्जिट कर रहा हूँ, ठीक है, सोच सकते हो एग्जिट करने में इतना ये लोग तीन जाम कर रहे हैं। तो मेरे को आई थिंक हो गया 10-15 मिनट काउंटर पे वेट करते हुए, पूछ रहे हैं कि पहले कहाँ जाओगे। पहले वीज़ा पूछा कि डू यू रिक्वायर्ड वीज़ा और नॉट, तो मैंने कहा वीज़ा है मैं 48 आवर्स के लिए। तो ये भी बताया कि पहले फ्री था बट अब चार्जेबल है। दूसरा चीज़ ये है कि चेक कर रहे हैं भाई कहाँ कहाँ जा रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ। भाई तुम्हें से क्या मतलब है, तुम्हारी कंट्री में छोड़ रहा हूँ, तुम्हारी कंट्री छोड़ने के बाद मैं जा रहा हूँ किसी भी कंट्री में, उसका वीज़ा मेरे पास अवेलेबल है, मैं ट्रांजिट कर रहा हूँ, वहाँ से मैं कहीं भी जाओ वो उनकी हेडेक है, आपकी हेडेक नहीं है। तो इतना पूछा जिसमें नहीं हुआ था वीज़ा एयर में, बस ये इमिग्रेशन में पूछ रहे थे। तो फिर मेरे को मतलब बताना पड़ा, मैंने पहले बोला था कि मैं ट्रांजिट करके इंडिया जाऊँगा, बट 48 आवर्स का था, और जब मैंने इन्होंने इंडिया की फ़्लाइट मांगी वो तो फ़्लाइट फिर आगे डेट की थी,
तो आप पूछे बीच का क्या करोगे फिर, तो मैंने बोला कि मैं अभी जो ट्रांजिट कर रहा हूँ ये अबू धाबी से मैं जाऊँगा सीधे ईरान के लिए। फिर पूछा ईरान का वीज़ा चाहिए, मैंने कहा नहीं, इफ़ वी आर एंटरिंग दी बाय एयर वी डोंट नीड वीज़ा। कुछ चेक नहीं किया, वर्बली पूछ के छोड़ दिया। मतलब 15 मिनट मेरा वैसे भी ख़राब किया पूछने में। एक लेडी थी उसने किसी सीनियर बंदे को ट्रांसफ़र किया था, सो उसने सारी पूछताछ की मेरे से। एंड बस इतना ही था, बिना वजह पूछते हैं यार पूरी आइटनरी। अगर आपको, अगर आपने पूरी प्लान की हुई है और कंफर्म फ़्लाइट्स हैं, और मेक श्योर हमेशा जब भी आप ट्रैवल करो तो रिटर्न फ़्लाइट ज़रूर लेके जाना इंडिया के लिए, बहुत ज़रूरी है भाई। ये आपके श्योरिटी देता है कि भाई आप हाँ इंडिया वापस जाने वाले हो, कंफर्म फ़्लाइट होनी चाहिए। और ट्रस्टेड एयरलाइन है तो और भी अच्छी बात है, और फुली रिफंडेबल रखो। इन कोई इशू आया, अगर कैंसिल करना है तो कैंसिल करके रिफंड क्लेम कर सकते हो। सो दिस इज़ ऑल अपडेट रिगार्डिंग द इमिग्रेशन। और थोड़ा सा ना मेरे को अंदर से ना हेजिटेशन शुरू हो गई थी बात करते वक्त, और ये चीक्स मेरे ना लाल हो रहे थे गर्मी की वजह से भी और नॉर्मल भी। सो भाई एयरपोर्ट देख लो, बस इतना ही है, सेंटर एरिया में बैठने के लिए उधर है, और एक ये वेटिंग हॉल है। अभी हो रहे हैं 8 बज रहा है, 9 बजे का बोर्डिंग का टाइम है, 9 बजे बोर्डिंग होगी। तो कुछ ले लेता हूँ उसके बाद बात करता हूँ आपसे। सो भाई देख लो बोर्डिंग शुरू हो गई है, सामने एयरक्राफ्ट रखा हुआ है, मैं तो विंडो में हूँ, वहाँ तो सामने हो रही है। देखो सबसे लास्ट में जाऊँगा, पहले जाने का मतलब नहीं बनता, पहले जाओगे अंदर बैठ जाओगे फायदे नहीं, लास्ट में घूमते फिरते जाऊँगा। चलते हैं भाई, अब हम भाई चढ़ी धूप हो रखी है, अभी जो टाइम हो रहा है 9:40 हो रहा है, उसी जाओ धूप दिख रही है चेहरे पे, आके ही रंग से खुल रही है। वे कल की कितने भी लग रही है गाड़ी, मेरा 24 है तो पीछे जाना पड़ेगा। देख लो भाई यार क्या बगल में, हालांकि मजे होते हैं। टर्मिनल 1 ये रहा जो नया वाला है, ये टर्मिनल 2 पुराना वाला है। दिस इज द न्यू टर्मिनल, यू कैन सी। नीचे से आ रहे हैं उधर से, बाकी हम लोग इधर से जा रहे हैं। अब मेरे को एयरपोर्ट एक बार एग्जिट करना पड़ेगा और एंट्री लेनी पड़ेगी, ताकि कुछ खाने पीने के लिए मिल जाए। कुछ खाया नहीं हूँ अभी, पता नहीं कोई शॉप मिलती है कि नहीं मिलती है यहाँ से जाते वक्त। और ये न्यू टर्मिनल है, ये नीचे वाले लोग आ रहे हैं, ये हमारा ऊपर से जाने का। जो पुराना वाला टर्मिनल था वो डिसमेंटल हो जाएगा, उसको
क्या करेंगे पता नहीं प्रॉपरली। पहले वाला मे भी उसको दोबारा रेनोवेट करेंगे क्योंकि भाई इतनी बड़ी ज़मीन में बना बना देखेंगे उसको बर्बाद नहीं करना है। सब कुछ न्यू ही मिलेगा, रिसेंटली ओपन हुआ है। इसका पैटर्न वैसे ही है जैसे बाकू का है, हैदर अली सेंटर का सेम ही पैटर्न है, वेव्स बनाई हुई। वैसे मैंने पिछली बार यहाँ पे अपना फिंगरप्रिंट दे दिया था तो देखता हूँ मेरा पासपोर्ट स्कैन करके आगे बढ़ता है नहीं बढ़ता है, दोबारा मेरे को देना पड़ेगा फिंगरप्रिंट्स। एक बार आपने कर दिया है तो ऑटोमेटेड जो गेट्स हैं वहाँ से आप ईजिली जा सकते हो पासपोर्ट स्कैन करके। फर्स्ट टाइम मेरी एंट्री थी वाली तो मैं सोच रहा था दोबारा कब आने का मौका मिलेगा, आ गया मौका मिल गया दोबारा। क्या मैं एक्चुअली दो बार यहाँ पर और एक्स्ट्रा आऊँगा, मीन्स टोटल तीन बार हो गया। ये रहा ट्रांसफर्स के लिए अराइवल का, देख लो मस्त।